हमारे इधर ऐसा ही होता है, लटक के ही पैदा होता है। नहीं नहीं, जब जब के पैदा जब हम फाइनली स्नो का टच मिला। फिर से हम लोग गैप मिला है कुछ खाने के लिए, बाकी चावल कर करके हालत खराब है। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ पे कुछ खाएंगे। ऐसे खाने का मन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा रेस्ट कर लेंगे वहाँ पे। ए रुक जाओ रुक जाओ, गाड़ी है। वेट वेट वेट, यस ये हॉट हवा। क्या ले रहे हो? क्या ले रही है दी? चॉकलेट। कौन सा चॉकलेट? सब कुछ ले जाइए, अलग लीजिए ना, यहाँ पे आइए तो कुछ नया चॉकलेट लीजिए, डेयरी मिल्क वगैरह ले लीजिए। 15 रुपए का मैं 4 पीस रहता है, 5 पीस, 3 रुपए पीस। हमको लगा कि इमली होगा यार। इमली है? इमली नहीं है, गाइस देख सकते हो। गैंगटॉक और दार्जिलिंग में कुछ अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स मिलते हैं, मतलब ये सब चॉकलेट तो हमारे तरफ भी अवेलेबल होता है, लेकिन ये सब चॉकलेट जो है कुछ नया चॉकलेट है। ये सारा देख रहे हो, ये सब अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स हैं। ये सारा चॉकलेट्स देख सकते हो आप लोग। ये देखो गाइज, ये जो बाल का मेरा हाल है ना, ये कड़ा इधर जो हो गया है सेटबेट की तरह, ये जो कड़ा हुआ है वो इन दोनों का किया था। वो एप्पी फिज पी रही थी और ऊपर से ऐसे बाल पे गिरा दी, उसी के कारण ये मेरा बाल इधर से कड़ा कड़ा हो गया है। अभी जाके इसको वॉश करेंगे, तब जाके ठीक होगा। और ये किया धरा है इनका, ये यही गिराई थी ना एप्पी फिज मेरे बाल पे। वो लोग अभी खाना खाएंगे, ठीक है, खाना खाने के लिए उधर बैठे, और हम खाएंगे फ्रूट सैलेड, क्योंकि खाना खाएंगे तो और मन खराब हो जाएगा, मतलब और सर घूमने लगेगा, वोमिटिंग भी हो सकता है, तो उससे अच्छा फ्रूट सैलेड खा लेंगे कुछ हेल्दी, ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिले, है ना। क्या हुआ? अच्छा घूमने का जगह, वाह नाइस। चलिए नीचे चलिए। अरे यार इधर तो और प्यारा व्यू है यार, गजब। ओ माय गॉड, माउंटेन कितना प्यारा लग रहा है यार। मैडम नीचे चलिए। यस क्या हुआ, वो कहाँ भाग रही है? वो पागल है। अरे यार नीचे का व्यू देखो ना, वो क्या है यार, व्हाइट व्हाइट। अच्छा रोड कट रहा है ना, इसका नाम है तीस्ता रिवर। अच्छा तीस्ता रिवर है, जूम करके दिखाते हैं। तीस्ता रिवर, इन वादियों में गजब क्या दी व्यू, कैसा लग रहा है। अरे उधर भी तीस्ता रिवर ही है, ओह माय गॉड। गजब कितना दूर से आ रहा है, व्हाइट व्हाइट देखो। अरे ये देखिए ब्लॉगिंग गर्ल दी फोटो ले रही है। ये सो खाना आया है, कुछ अलग ही स्टाइल में दिखाते हैं आप लोगों को। हटो हटो हटो, ये रहा खाना, कुछ अलग ही स्टाइल में परोसा जा रहा है खाना यहाँ का, देख सकते हो आप दी। कैसा लग रहा स्मेल? अच्छा है, नाइस। क्या क्या है ये? तो बंगाली में अचार है, ये एप्पल का अचार है, कुछ पनीर वनीर का आइटम होगा, ये आलू का और ये गोभी का। पुलाव, पुलाव पुलाव है, ये चावल है, चावल ही है वो, पुलाव से चावल है। पर ये दाल है, और ये क्या है मिठाई का? ये किस चीज का भुजिया है? साग है यार, साग। तो साग है, साग बोले तो क्या, साग है। ये क्या है? पराठा भी आ गया शबनम का, शबनम खाएगी पराठा और ये दोनों खाएंगे चावल। लेकिन देख के तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, मेरे को भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं खाएंगे, क्योंकि खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है गाड़ी में, इसीलिए फ्रूट सैलेड ही मेरे लिए सही है। नहीं खा पाएगी, इधर बढ़ा देगी। ऑलरेडी तुम्हारे चावल इतना है यार, अरे हम कम खाएंगे, पराठा का भी टेस्ट ले लेंगे। ये राइस वगैरह चाहिए तो मांग सकते हैं। नहीं नहीं काफी है, इतना काफी है, ठीक है आराम से लीजिए, ठीक है।
हमको भी खाने का मन कर रहा है। नहीं नहीं, पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमको सैक्रिफाइस करेंगे तभी वो गाड़ी में हम सेफली जाएंगे। फ्रूट सैलेड ही सही है, इन लोगों को खाने दीजिए। फ्रूट सैलेड मेरा रेडी हो रहा है। हो गया भैया रेडी? इधर है आपके? हाँ ठीक है। और मतलब है ना? ओके ठीक है भैया। आपका आपका सर्व करने का तरीका हमें बहुत पसंद आया भैया, थैंक यू। बाकी फ्रूट सैलेड तो ज्यादा ही है, लेकिन खा के देखते हैं, फुल एनर्जी आएगा इससे। रास्ता देखो, रास्ता रास्ता बहुत ही, मेरा तो कलेजा फेफड़ा सब कुछ बाहर। फेफड़ा क्या बोलते हैं हिंदी उसका? फेफड़ा फेफड़ा, हाँ वो सब मैं हथेली में लेके इधर घूम रही हूँ। क्या रास्ता है यार, बहुत ही भयानक देखो गाइस। अरे यार गाड़ी इतना हिल रहा है बाबा कि मेरा फोन सही से फोकस नहीं हो पा रहा है। मैं अंडरग्राउंड रास्ता मिला पहाड़ के नीचे, काफी खौफनाक लग रहा है। देख सकते हो गाइस नॉर्थ सिक्किम में वाटर बॉटल पूरी तरह से वैन है। ये देखो मिनरल वाटर बॉटल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का पानी मिनरल वाटर है जिसके कारण ये सारा वाटर बॉटल वैन है। इधर अगर आप मिनरल वाटर लेकर आए और बॉटल फेंक दिए तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। 500 रुपए का पास भी रहेगा तो 500 फाइन देना पड़ेगा। हाँ लाचुंग और लाचेन में बैंड है मिनरल वाटर बॉटल। लाचुंग और लाचेन में, लाचुंग और लाचेन में बैंड खा जाओगे क्या? और ये देखिए गाइस इनका तो पेट ही नहीं भर रहा है, गाड़ी में भी डेयरी मिल्क गर्दा उड़ाई हुई है, कहीं भी पेट ही नहीं भरता इनका। कोई डिजास्टर इधर आया था तो पूरा इधर धुआं धुआं तहस नहस कर दिया, देख सकते हो आप लोग। पूरा पहाड़ के बीच एकदम भूस्खलन हो गया। और फिर से हम लोग को मिला है 5 से 10 मिनट का ब्रेक इधर पहाड़ों के बीच। बहुत ही अच्छा व्यू है इधर और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, मतलब हवा चल रहा है चारों तरफ से, ठंडा ठंडा, कूल कूल एकदम। तो फिर से हमें कुछ टाइम का ब्रेक मिला है चाय पीने के लिए, और चाय ज़रूर पियेंगे क्योंकि चाय थोड़ा मूड फ्रेश करता है। बाकी अभी शाम होने को है, शाम हो चुका है, सॉरी रात होने को है। ये क्या है इधर, चेयर ही नहीं है। अभी ठंडी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर ठंडी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर ही हम लोग को मिलेगा बर्फ। ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, अभी ठंडी ज्यादा लग रही है। जूते का दुकान है, अभी जूते का दुकान है, ऊपर जूता रखा। ये एग्जैक्टली दुकान किस चीज का है? ये चाय कॉफी का, लेकिन यहाँ जो दुकान होता है ना वो सभी चीजों का होता है। हाँ एवरग्रीन दुकान, एक आधी दुकान होता है। उनका मुंह हमेशा लटका हुआ रहता है, वो लटकी हुई पैदा ही हुई थी। वो तो सब ऐसे ही पैदा हुई थी। फिर उनको खींच के निकाला गया। उछल के पैदा हुए थे। हमारे इधर ऐसा ही होता है, लटक के ही पैदा होता है। नहीं नहीं, जब 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 हम लोग पैदा, नहीं नहीं, तो जब हम लोग पैदा हुए थे तब आप पैदा ही नहीं हुए थे ना, तो आप कैसे देखोगे? हम लोग तो आपको देखे हैं कि आप लटक के पैदा हुए थे। यस, स्पेशली हम लोग को बुलाया गया था कि सबनम देखिए कैसा पैदा हो रही है ना दी। अब दी सोच रही है कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या बोले तो बोले क्या। बेचारी का हर जगह से मेकअप उतर चुका है, बस इनका मेकअप ज्यादा देर माइलेज नहीं देता है, 1 से 2 घंटा मैक्सिमम। दी का नेचुरल है, या हम भी वही बोल रहे थे, दी का नेचुरल ब्यूटी है। सही में दी आपके सामने बहुत काली लग रही है, गजब बेइज्जती है। हमारा कॉफी आ चुका है, रात हो चुकी है, हम लोग अब होटल पहुँचने वाले हैं। लाचुंग में एंटर कर चुके हैं और भैया हमारे लगातार 5-6 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। मानना पड़ेगा भाई टैलेंटेड तो है भैया, मतलब इतना पहाड़ी एरिया में ड्राइव करना इतना आसान नहीं है यार। फाइनली वी रीच्ड, पहुंच चुके हैं हम लोग अपने यहाँ वाले होटल में। थकान बहुत ज्यादा हो गया है। ये पहाड़ों के बीच होटल और चारों तरफ का व्यू देख सकते हो यहाँ का। एंट्री करने के लिए बोले
भैया ऊपर ऊपर तक बिल्डिंग है। बाकी अभी हमें एक रात के लिए यहीं स्टे करना है, उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि एक रात स्टे करना है या दो रात स्टे करना है, क्योंकि कल हमें निकलना है स्नोफॉल के लिए। ये है कि आपका रूम है सेमी जी, बोलिए आप चेंज करेगा। हाँ थैंक यू। पहले एक रूम में सब बैठ जाते हैं ना, उस रूम में। ये ठंडी बहुत है यहाँ पे। चलो गाइस, सो ब्लॉग को करते यही पे एंड, ठीक है। आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। बाकी कल हम लोग जाएंगे स्नोफॉल वगैरह देखने, ठीक है। लाचुंग अभी मतलब अभी हम लोग लाचुंग में ही है ना? नहीं नहीं, ये क्या नाम है उसका, युमतंग वैली। युमतंग वैली, युमतंग, युमतंग, युमतंग वैली। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। यहाँ पे बर्फ देखने को शायद मिल जाए सुबह, स्नोफॉल का भी चांस है। तो अभी हम लोग होटल में आज रात पर स्टे करेंगे और सुबह में 6:30 बजे निकलेंगे स्नोफॉल देखने के लिए। सो स्नोफॉल वाला ब्लॉग आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी हो गया। सो बने रहना चैनल पे, ओके।